ये है दिल्ली दर्पण। माडल टाउन में अखिलेश पति विधायक पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लगे और उसमें उनके करीबी साला जिनको कहा है उन सहित दो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और इसी मामले में आरोप वजीरपुर के विधायक राजेश गुप्ता पर भी लगे कि उन्होंने भी 20 लाख रुपए लिए थे। इस तरह के आरोप जो गोपाल खारी है उन्होंने लगाए थे और उसके बाद ACP ने पूछताछ भी उनसे की। लेकिन इधर मीडिया में जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने भी एक और आरोप लगाया कि यहाँ की एक कैंडिडेट ने भी 1 करोड़ रुपए देकर के टिकट हथियाई है। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ से। विधायक जी, आपने टीवी चैनल्स में भी कहा है, मीडिया में खुलेआम कह रहे हैं कि कैश फॉर टिकट यहाँ भी हुआ है। देखिए, हम तो लगातार कांग्रेस की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर राजनीति का स्तर बहुत गिरा दिया है केजरीवाल ने, और केजरीवाल जो अपने आप को बहुत शिक्षित, संस्कारी, ईमानदार, कट्टर ईमानदार बताते हैं, उसकी पोल खुल चुकी है, उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। आज हालात दिल्ली के अंदर ये है कि दिल्ली की कोई विधानसभा ऐसी नहीं है, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां पर टिकटों का व्यापार नहीं हुआ हो। जोर शोर से टिकटों का व्यापार हुआ है। उस व्यापार के चलते हुए केजरीवाल की पार्टी ने जो वार्ड के अंदर अपने उम्मीदवार उतारे हैं वो कूड़ा करकट, ईंट रोड़े, जो भी सामने आया, जिसने भी पैसे दिए, चाहे वो RSS का है, चाहे वो आतंकवादी है, चाहे वो क्रिमिनल है, सबको टिकट दिया। सिर्फ पैसा चाहिए था और टिकट पाने वालों की इसमें लाइन लगी हुई थी। जो लोग उनके कार्यकर्ता हैं वो लोग इस बात से बड़ा नाराज हैं। आज वही लोग केजरीवाल की नैया डुबाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हर वार्ड के अंदर भीतरघात और घमासान जबरदस्त तरीके से मचा हुआ है और खुलेआम वो लोगों को बता रहे हैं कि हमारा ये जो उम्मीदवार, हमारे आप पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको आप वोट मत दो, ये पैसे टिकट खरीद कर लाया है, ये हमारे बीच में से नहीं है, ये जमीनी कार्यकर्ता नहीं है, ये उन लोगों में से नहीं है जो केजरीवाल के साथ में शुरू से जुड़े थे, ये समझ के जुड़े थे कि केजरीवाल अच्छे व्यक्ति हैं, इनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा तो अच्छे काम हम कर पाएंगे। नहीं, आपने कहा था कि वजीरपुर में भी एक ऐसे कैंडिडेट को पैसे लेकर के टिकट दी गई है, आपका इशारा किधर की तरह? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ इस बात के लिए, मैं तमाम नेशनल चैनल्स पर लगातार बोलता हुआ चला आ रहा हूँ कि यहाँ इन्होंने ये नहीं देखा कि किस जो जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को हम टिकट दे रहे हैं, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हमारे वजीरपुर विधानसभा में एक कट्टर RSS समर्थक जो RSS के नाम पर सालों साल तक सांप्रदायिकता का जहर घोलते रहे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए देकर केजरीवाल से टिकट खरीद लिया। आज पूरे क्षेत्र के अंदर, उस वार्ड के अंदर इस बात को लेकर बड़ी चर्चा इस बात की बनी हुई है और लोग केजरीवाल को बड़ा बड़ा बुरा कह रहे हैं। RSS का जो काम करते रहे, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में एक तरफा बोलते रहे, उनके खिलाफ में पर्चे और पोस्टर निकालते रहे, आज उस उम्मीदवार को टिकट दे गया है, 1 करोड़ रुपए देकर टिकट दिया है। और एक ही ऐसा और उम्मीदवार है जिसने 1.5-2 करोड़ रुपए देकर टिकट दिया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आदमी 1 करोड़ रुपए देकर या 1.5 करोड़ रुपए देकर टिकट लाएगा, अगर वो ऐसा व्यक्ति जीत जाए तो जनता के बीच में उसकी प्राथमिकता क्या होगी? जीतने के बाद में उसकी प्राथमिकता ये होगी कि लोगों को लूटे, लोगों से रिश्वत ले, पैसा इकट्ठा करे और विकास का कोई कार्य ना करे। तो आप कह रहे हैं कि इसका असर लोगों में पड़ रहा है, और क्या कांग्रेस की तरफ भी रुझान उनका बढ़ रहा है? बिल्कुल, मैं आप कह सकता हूँ, मैं लगातार जमीन के ऊपर अपने उम्मीदवारों के साथ में घर घर जाकर कैंपेन कर रहा हूँ। जिस प्रकार से एक समय ऐसा था कि कांग्रेस को नकार दिया गया था, कांग्रेस की बात लोग सुनना नहीं चाहते थे, कांग्रेस की जो 15 साल का शासन था उसमें जो तरक्की और विकास और देश की बढ़ोतरी, दिल्ली की बढ़ोतरी हुई थी, उसके बारे में भी सुनना नहीं चाहते थे। आज वो लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस की बात को सुनते हैं, स्वागत करते हैं और इस बात का पुख्ता पक्का आश्वासन देते हैं कि इस बार हम कांग्रेस को जरूर लेके आएंगे। हम इन दोनों लोगों से, केंद्र की भाजपा सरकार से और दिल्ली की केजरीवाल सरकार से,
त्रस्त हो चुके हैं, महंगाई है, प्रदूषण है, बेरोजगारी है। आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि करोड़ 2 करोड़ रुपए देकर के टिकट यहाँ पर दी गई है, क्या पुष्टि क्या है इसकी, मतलब इसका आधार क्या है? इसका आधार तो चर्चा है लोगों के बीच में, खुलेआम वो उम्मीदवार लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि टिकट तो हमारी जेब में है, पैसा देंगे टिकट ले आएंगे। और मैं पुख्ते इसका आधार ये बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है, सालों साल से उनका काम कर रहा है, उस व्यक्ति को अगर टिकट दी गई है तो वो टिकट ऐसे तो नहीं दी गई, पैसा लेके टिकट दी गई है। आप क्षेत्र में जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए जो राजनीति से जिसका संबंध ना भी हो, आम नागरिकों से पूछिए, वो आपको समझ रूप से बताएगा। एक नहीं बताएगा, सैकड़ों हजारों लोग आपको बताएंगे कि ये टिकट कैसे आया हो। टिकट किसको पैसे दिए गए होंगे आपको क्या लगता है, पार्टी के शीर्ष नेताओं को या यहाँ का जो लोकल विधायक है राजेश गुप्ता, उस तक पहुँचे, उसके माध्यम से पहुँचे हों या उससे? ये पूरा गैंग है, और केजरीवाल जो है सिम जादूगर जो एक ज़माने में हुआ करते थे वो काम करता है, और उसके 40 चोर दिल्ली में फैले हुए हैं। हर व्यक्ति जो टिकट दे पैसा देकर टिकट लेने वाला है उसके संपर्क में है। इसी संदर्भ में 2 विधायकों के ऊपर पीछे जो पकड़े गए हैं, 3 आदमी पकड़े गए, सरेआम नगद रंगे हाथों पकड़े गए, पैसा लेते देते हुए पकड़े गए, और अभी 2 दिन पहले ही 1 करोड़ रुपया एक जेई से यही से मांगते हुए एक उनके सीनियर नेता आदर्श नगर के, वो उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो चल रहा है लगातार। वो तो वो नेता भी तो आप यहीं से निकले हैं, इतने सालों कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन वही तो मैं बता रहा हूं आपको, केजरीवाल के यहाँ जाकर गए और बर्बाद हो गए, केजरीवाल के यहाँ जाकर गए और बेईमान हो गए, लालची हो गए, रिश्वत हो गए, क्योंकि केजरीवाल की डिमांड थी कि उनसे पैसा लाओ तब आप इस पार्टी में रहोगे और आगे बढ़ सकते हो, तो उन्होंने भी पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी लोगों को धमका कर पैसा लेना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल हरिशंकर गुप्ता हैं जो साफ कह रहे हैं कि इस चुनाव में नगर निगम में बड़े पैमाने पर पैसे लेकर के टिकट का लेन देन किया गया, और इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस दिल्ली में बना रही है, और जो आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार छवि जो है उसको आईना दिखा रही है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।